राजा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पर्ची है आपके हाथों में ये, अब वो झारखंड पार्टी AGP और इसमें डायमंड छाप जो आप इसमें अंकित है, तो मैं इसके बारे में दो सब जानना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड पार्टी तो शायद पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब वो झारखंड पार्टी करने का क्या रीजन है? और कल परसों जो सुन रहे हैं हुटार में चक्का जाम किन्हीं के द्वारा आपके नाम को फायदा उठा के कराए जा रहा है, तो कौन आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं? तो मैं इन सब बातों को जानना चाहूंगा आपके। देखिए, चुनाव में कुछ आता है जाता है, तो मैंने अपने जीवन काल में आंदोलन किया है और आंदोलन किया तो मैं देखता हूं कि जो चुनाव में जो चुनाव छाप होती है, पहले हुआ करता था कि झारखंड पार्टी, और झारखंड पार्टी इतना मजबूत पार्टी थी, जमीन तक लोगों का आज भी आवाज है। इसमें हमारा चुनाव चिन्ह था नगड़ा छाप, और नगड़ा छाप के बाद जब बीच में फिर चुनाव आयोग ने हमारे विधायक कम रहने के चलते क्या किया कि चुनाव चिन्ह को बदल दिए, ढोलक छाप एक बार था लोकसभा, एक बार हमारा टांगा छाप, और फिर विधानसभा, फिर नगड़ा छाप से चुनाव हमको लड़ने का चुनाव चिन्ह हमको आवंटित करता। एनी हो, हमारे नगड़ा छाप का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आयोग अपने हाथ से लिख चुनाव चिन्ह को दिया, और बहुत दिन तक हमारा चुनाव में लड़ते थे, जीतते आया। एनी हो साहब, ये महान नेता थे, ईमानदार नेता थे, सार्वभौम नेता थे, उनके आने पर लोग हुजूम जुटता। और मैं समझता हूं कि जब जब हमारे जनाधार बढ़ती है तो हमारा जो पार्टी का चुनाव चिन्ह था नगड़ा छाप को बदलने का काम करता है। ये राष्ट्रीय राजनीति का देन है कि यहाँ इन लोगों को कमजोर किया जाए, चुनाव में कहीं ना कहीं इनको चुनाव लड़ने में दिक्कत करने का सामना करना पड़े, यही वजह है। आज देखा जाए नगड़ा छाप के बाद आज हमारे बीच में, जो बीच में हमारे भी कोई चुनाव चिन्ह फिर बदल गया था, फल भरा टोकरी था, उसके बाद ये हम लोग ने चुनाव लड़ा, लड़ने के बाद क्या वजह हुआ कि जो विधायक पैदा किए थे कोलीवीरा से, इन्होंने बड़े धोखा दिया लोगों को धोखा दिया। पार्टी केंद्रीय कमेटी के नेता हम लोग एनी हो, हमारे सार्वभौम ने केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के, झारखंड पार्टी के थे, और उसके बाद मैं भी वरिष्ठ पद में होते हुए भी हमेशा आंदोलन में सक्रिय और जुझारू रूप से लोगों का आंदोलन और आंदोलन आगे बढ़ते गए। इसके बाद जब हम लोगों ने सरकार बनाने के पक्ष में, जब सरकार विधायक की जरूरत होती थी, सरकार एक विधायक के चलते सरकार 5 साल चलाने के दिक्कत, ऐसे समय में कोलीवीरा से एक विधायक पैदा हुए, एनओसी का पैदा हुआ, मगर एनओसी का ने कोई पार्टी का लीडर ये नहीं था, इन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया था झारखंड आंदोलन में। 2005 की घटना बता रहा हूं, उससे पहले तो बहुत लंबा कहानी है, बहुत सारा उतरा चढ़ाव पार्टी का हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो जनता की भलाई होगी तो यूपीए गठबंधन से चलने से हमारा सरकार कार्यकाल को पूरा करेगी, मगर इन्होंने हमारे साथ तोड़ फोड़ कर राजनीति कलों के साथ चला गया अपने मर्जी से, जिसका हम लोग झारखंड विधानसभा न्यायालय में कोर्ट में ये चला बहुत दिन, और चलने के बाद में ये हमारे पक्ष में फैसला हुआ कि ये कोई मैंने पार्टी का उल्लंघन किया, जिसके तहत उसका सदस्यता खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या किया, जिन्होंने लोगों के गद्दार लोगों के साथ मिलकर के हमारे पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष महान संघर्ष नेता को इन्हें आउट करने का काम किया, डिजाइन किया, मगर इन्होंने क्या किया, जो घोटाला में जाने के बाद कभी झारखंड पार्टी ईमानदार पार्टी के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर गदार एमएलए और मंत्री बनने के बाद हमारा पार्टी का छवि खराब होने लगा, तो हमने उसको आउट कर दिया, जब सदस्य खत्म हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए हम लोग ने झारखंड पार्टी एक हिस्सा होरो साहब का विचारधारा के
जनताओं के विचारधारा का झारखंड पार्टी गोरो हम लोग ने चलाते रहे चलाते थे। ये बात है सामने कि भाई जब जिस समय सत्ता में थे एनओसी का उस समय तक के लिए कोई झारखंड आंदोलनकारी नेताओं के साथ उसका कोई बैठक नहीं था। दलाल लोगों का भरमार था, जो लूटने वालों का भरमार था उसके साथ, और जितना लूटा लूटा जिस समय जब उनका सजा हो गई तो सब भाग गया। तो उसका सोचने लगा अब क्या किया जाए, गार्जियन तो खोजना होगा, जो पार्टी के महा बड़े नेता लोग को खोजना होगा। हम लोगों ने उसको एक पार्टी का झंडा के नीचे झारखंड पार्टी को चलाया, और होरो साहब के एनी होरो के देहांत होने के बाद हम लोग पार्टी को बढ़िया से चलाया, अपना जितना भी सक्षम था व्यवस्था के साथ चलाया, लोगों का आंदोलित किया। मगर बात अफसोस की है, उन्होंने कहा कि भाई आप जेल में सजा काट रहे हैं तो निगरितों में मार्च में कोई दिखाई नहीं देता, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, पार्टी नेतृत्व में आपको किसी घर के कोई अन्य सदस्य को दे दीजिए या पार्टी को कोई नेता को दे दीजिए ताकि जनता के बीच जा सके और संगठन मजबूत हो, राजनीतिक मुद्दा तेज हो, ऐसे लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मगर इन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग ने सोचा कि 3 बार उसको अध्यक्ष का पद दिया मगर जेल में सारा जिंदगी गुजारा है ना, और हम लोगों ने उसके बाद सोचा कि ऐसा में जनता का सेवा नहीं किया जा सकता। सोच समझ कर सोचा कि हम लोग को एक राजनीतिक पार्टी का गठन एनी होरो का या हमारे पूर्वज लोग का जो देन है वो मुद्दों को लेकर के हमको सही दिशा पर राजनीति में ईमानदारी पूर्वक और मजबूती से लड़ाई लड़ना है। तो हम लोगों ने सोचा कि राजनीतिक पार्टी का चुनाव ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है और जनता के बीच जाना है, जनता के मुद्दे को जहां पर शोषित पड़ी जनता हमारे बीच में है उनको हम लोग उठाने का काम करेंगे, उनकी समस्या का आवाज करेंगे। तो अगुआ झारखंड पार्टी के हम लोगों ने गठन किया 2022 में और जनता के बीच में आज भी पूरा लोगों के बीच में जाकर के लोग को उनकी समस्याओं को दूर करने में अगुआ झारखंड पार्टी आगे लड़ रही है। और ये अगुआ झारखंड पार्टी आने वाले चुनाव में भी हमारे मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा के सुपुत्र जो है जैन जयपाल सिंह मुंडा को खुटी लोकसभा से जब कुटी लोकसभा हमारा आंदोलन का गढ़ रहा है, ये मुंडा क्षेत्र से जहां आबादी ज्यादा है ऐसे क्षेत्र से हमेशा अंग्रेज के गुलाम से देश को आजादी करके लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा लड़ाएगा। हमारा देश आजाद होने के बाद हमारा मरंग जयपाल सिंह संविधान सभा में गए, उसके बाद हमारा इन्हीं हो जो सर्वमान्य नेता है आज इस चुनाव या लोकतंत्र में खोजा गया ईमानदार नेता और कर्मठ नेता, एक शिक्षा हुई राजनीतिज्ञ और विद्वान आदमी जैसा नेता कोई पैदा नहीं हुआ है, जो कि आज तक उसका कोई किसी तरह का दाग नहीं है, बेदाग छवि वाला नेता को भूलना आज झारखंड पार्टी के उनका सिद्धांत को विचार को और जनता का आवाज को अगुआ झारखंड पार्टी आगे तक लेके चलेगी और जनता हमारे साथ चलेगी, क्योंकि उनका समस्या के प्रति हमारा राजनीतिक पार्टी है अगुआ झारखंड पार्टी। इनका एनी होरो का जो पुत्र है केंद्रीय अध्यक्ष रीलन होरो है और मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और लोगों के लिए खड़ा उतरने का काम करेंगे, जो कि झारखंड को एक नया दिशा पर ले जाएंगे, झारखंड का विकास का काम करेंगे, जनता का हक देने का काम करेंगे। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। ये चुनाव चिन्ह मैं बोलते बोलते आगे आपको इस अध्याय पर पहुंचाऊंगा कि हाँ मैंने शुरू में कहा आपको हमारा शुरू का चुनाव चिन्ह था, आप बताते हैं उस बदलते रहता है, क्रमबद्ध तरीके से समय समय आता है। देखिए राजनीतिक ऐसे मजबूत होगा, विधायक की संख्या ज्यादा होगी, संसद की ज्यादा संख्या हो तो रिजर्वेशन हो जाता है। तो हमारा फिर से बोलता नगड़ा छाप के बाद हमारा टंगा छाप हुआ, उसके बाद ढोलक छाप हुआ, उसके बाद हमारा फल भरा टोकरी हुआ। आज के हिसाब से चुनाव आयोग हमारे आवंटित किया है तो छोटा नागपुर किसी समय हमारा मुंडा राज हुआ करता था, राजा दूध जैसा मुंडा हमारा छोटा नागपुर शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था। उनके समय में छोटा नागपुर को हीरा हीरा कहा जाता था, हीरा भरा हुआ था, वही आज छोटा नागपुर का ये सबसे बड़ा नमूना है, हमारा डायमंड है या हीरा छाप है या वो झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह आज हमारे लोगों के बीच जाने का है। और यह हथियार चुनाव चिन्ह हमारा लोग के बीच में एक प्रचलित चुनाव चिन्ह है,
हीरा छाप, इसे हम लोग आने वाले चुनाव में हम लोग मैदान में उतरेंगे, दमखम के साथ उतरेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा जीत हो। और सर